हेलो जैन दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। तो आज करंट अफेयर सीरीज 2023 में आपका स्वागत है। आज तारीख 13/5/2023। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है। तो फर्स्ट ऑप्शन है IIT कानपुर, नेक्स्ट है IIT मद्रास, नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी, नेक्स्ट है IIT, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? IIT मद्रास, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस देखेंगे DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब हुई? 1958 में। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, 10 नंबर 2। हाल ही में शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। फर्स्ट ऑप्शन है शारजहाँ, नेक्स्ट है ढाका, एंड नेक्स्ट है कोलंबो, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है? शारजहाँ। ये शारजहाँ UAE में है। तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। एंड नेक्स्ट है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो ये सड़क लेन के उल्लंघन को रोकने के लिए ये स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? UAE में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है सोनू सूद, एंड नेक्स्ट है सुनील शेट्टी, एंड नेक्स्ट है अक्षय कुमार, एंड नेक्स्ट है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है? सुनील शेट्टी। ये अदर फूड डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी एंड जोमेटो, इनसे 10 से 15% कम में ये फूड डिलीवरी करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, एंड नेक्स्ट है कानपुर, एंड नेक्स्ट है दिल्ली, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पर फ्री में बैठकर रीडिंग कर सकते हो, बुक फ्री में पढ़ सकते हो। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत और कौन सा देश कुशल पेशेवरों क्षेत्रों की आवाजाही पर चर्चा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, एंड नेक्स्ट है कनाडा, एंड नेक्स्ट है इजराइल, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? कनाडा। तो कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। एंड करेंसी क्या है? कनेडियन डॉलर। एंड यहाँ के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, नेक्स्ट है ढाका, एंड नेक्स्ट है जकार्ता, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है? न्यू दिल्ली। तो भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो ये SCO के बारे में देखेंगे, शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब कब हुई? 1996, 1996 में। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में। इस सहयोग संगठन में भारत 2017 में शामिल हुआ। इसमें टोटल 9 देश हैं, जो कि 9वां देश ईरान है। 2023 में बैठक भारत में होगी इसकी, 2022 में इसकी उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान में थी। एंड SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी बनाई गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में मास्को बुसू स्टार्ट चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 9, एंड नेक्स्ट है 11, एंड नेक्स्ट है 10, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? 10। 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ में? ये चैंपियनशिप रूस के मास्को शहर में हुई थी। तो टोटल पदक कितने जीते गए हैं? इसमें 17 पदक जीते गए, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, नेक्स्ट है
वित्त मंत्रालय एंड नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय एंड नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अभी प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया, ये फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, नेक्स्ट है युजवेंद्र चहल, एंड नेक्स्ट है हर्षल पटेल, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है, युजवेंद्र चहल। इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने। एंड नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने। एंड नेक्स्ट है आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने। एंड नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी है, यहाँ लेखी। एंड नेक्स्ट है मनसुख मंडावी, एंड नेक्स्ट है स्मृति ईरानी, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन है, मीनाक्षी लेखी। कौन है, मीनाक्षी लेखी। ये मीनाक्षी लेखी कौन है, तो मीनाक्षी लेखी ये केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड एवं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, एंड नेक्स्ट है उत्तराखंड, एंड नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। एंड यहाँ के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। एंड गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर बारह, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगनीज के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, एंड नेक्स्ट है आलिया भट्ट, एंड नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या, कौन है, दीपिका पादुकोण। इन्होंने अभी भारतीय अभिनेत्री हैं जो टाइम मैगनीज के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई। आलिया भट्ट को अभी गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। एंड नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अड़ु IITR 006693 की खोज की। एंड नेक्स्ट है टचलेस बायोमेट्रिक विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने UIDAI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बॉम्ब लिक्विड मार्बल लॉन्च किया। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है 1 अप्रैल को RBI की स्थापना दिवस और ओडिशा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली। नेक्स्ट है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वच्छित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल को हाथी बचाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल को विश्व राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल को विश्व राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 29 अप्रैल को पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। सो नेक्स्ट देखेंगे, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस एवं गुजरात महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। 3 मई इसमें नॉर्वे टॉप पर है, एंड अपना भारत का स्थान है 161वां। नेक्स्ट है 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 मई को
विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है 6 मई, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है नेक्स्ट है, 7 मई को वर्ल्ड लॉफ्टर डे मनाया जाता है नेक्स्ट है, 8 मई, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है, 11 मई, 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है नेक्स्ट है, 12 मई, 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। सो नेक्स्ट देखेंगे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टू स्टे कनेक्टेड टू अस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस, जय हिंद, थैंक यू।